नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 4 फरवरी दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के स्कूलों में पहली बार होगी राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता। बिहार में नीतीश डिवाइस से मिलेगी आपदा की जानकारी। बिहार में मंत्रियों के बीच विभागों का हुआ बंटवारा। बिहार में एक साल में पहुंचे 1 करोड़ से अधिक पर्यटक। इंग्लैंड बनाम भारत टेस्ट मैच में यशस्वी के बाद जसप्रीत बुमराह ने किया कमाल। रेलवे में 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। वैसे युवा जो रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल रेलवे भर्ती सेल दक्षिणी रेलवे ने भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जहां पता चला है कि अप्रेंटिस के कुल 2,860 पदों पर यह भर्ती आई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2024 है। तो जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए इच्छुक है, वे इसके आधिकारिक वेबसाइट srindianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए यदि पात्रता की बात करें तो इसके लिए उम्मीदवारों को जरूरी है कि उन्होंने 10वीं और 12वीं न्यूनतम 50% अंकों के साथ पास किया हो। इसकी न्यूनतम आयु सीमा वर्ष इनकी न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष, फ्रेशर्स के लिए 22 वर्ष और अन्य के लिए अधिकतम 24 वर्ष निर्धारित की गई है। इस भर्ती के लिए आपको आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपए देने होंगे। हालांकि अन्य आरक्षित वर्गों को इसमें छूट दिए जाएंगे। आवेदन करने से पहले एक बार इसकी अधिसूचना को जरूर पढ़ लें। बिहार के स्कूलों में पहली बार होगी राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता। बिहार में पहली बार राष्ट्रीय स्कूल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें 29 राज्यों के 1,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बताया जाता है कि इसको लेकर 2,500 से 3,000 लोग बिहार पहुंचेंगे। पटना के ज्ञान भवन में 6 से 10 फरवरी तक प्रतियोगिता का आयोजन होगा। आपको बता दें कि यहां सभी वर्गों में कुल 12 श्रेणियों में मुकाबला होगा। इसमें अलग अलग वर्ग के 250 खिलाड़ी बिहार में भाग लेंगे। प्रतियोगिता में अंडर 7, 9, 11, 15 और 17 आयु वर्ग के बालक और बालिका खेलेंगे। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे गांधी संग्रहालय पटना के बारे में। गांधी संग्रहालय पटना में स्थित बेहद प्रसिद्ध गांधी स्मारकों में शामिल है, जिसका निर्माण वर्ष 1967 में किया गया था। यह सार्वजनिक सेवा संस्थान है जो महात्मा गांधी के जीवन और सिद्धांतों और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में उनकी भूमिका को प्रदर्शित करता है। महात्मा गांधी के जीवन के विभिन्न चरणों में से एक उनके बचपन की तस्वीरों वाला एक खंड भी है। इमारत में एक पुस्तकालय भी है, जिसमें राष्ट्रपिता के जीवन से संबंधित पुस्तकों, पत्रिकाओं, साहित्य और ऑडियो वीडियो सामग्री का एक समृद्ध संग्रह है। पटना में गांधी संग्रहालय बेहतरीन जगहों में से एक है। बता दें कि पटना का गांधी संग्रहालय देश के 11वें संग्रहालयों में से एक है। बिहार में एप्स यूनिवर्सिटी की होगी ऑनलाइन निगरानी। बिहार में अब एप्स यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। राजभवन से विश्वविद्यालय के कामकाज की मॉनिटरिंग की जाएगी। कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए यह फैसला लिया गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि इसकी जरूरत है। आज की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर इस ऐप का निर्माण हुआ है। इससे इस बात का पता भी लगाया जा सकेगा कि कुलपति के ऑफिस में क्या हो रहा है। परीक्षा नियंत्रण की तैयारियों का भी इससे पता चल सकेगा। राज्यपाल ने जानकारी दी है कि बिहार में 1,00,000 विद्यार्थियों पर केवल 7 महाविद्यालय हैं, जबकि देश में 1,00,000 छात्रों पर 30 महाविद्यालय होने चाहिए। बिहार में अब नीतीश डिवाइस से मिलेगी आपदा की जानकारी। बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण ने IIT पटना के साथ मिलकर नया डिवाइस लॉन्च कर दिया है। इसका नाम नीतीश है। इससे बाढ़, ठनका, लू, शीतलहर आदि आपदाओं की जानकारी ली जा सकेगी। बताया जाता है कि नीतीश डिवाइस 100% सुरक्षित है। इस डिवाइस में वॉइस मैसेज सुनाई देगा। इसके बाद यह वाइब्रेट भी करेगा और इसका रंग हरे से लाल में बदल जाएगा। नीतीश पेननेट वाटरप्रूफ भी है। इसे समाज के हर क्षेत्र में लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नीतीश डिवाइस को आसानी से गले में लटकाया जा सकता है। KK पाठक ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को लेकर किया आदेश जारी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर नया आदेश जारी किया है। इस नए आदेश में कहा गया है कि 1 अप्रैल से सरकारी स्कूल के बच्चे फर्श पर नहीं बैठेंगे। यदि ऐसा होता है तो सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग को यह आदेश दे दिया गया है। विभाग सभी स्कूलों में 1 अप्रैल से डेस्क की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। इसके बाद अब राज्य के किसी भी स्कूल में कक्षा 1 से 12वीं तक कोई भी बच्चा फर्श पर बैठकर पढ़ाई नहीं करेगा। सड़क दुर्घटना के पीड़ित घर बैठे मुआवजे के लिए करे अप्लाई। सड़क दुर्घटना के पीड़ित और मृतक के आश्रित अब घर बैठे ही मुआवजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पटना के साथ ही 7 प्रमंडल मुख्यालय में मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने काम करना शुरू कर दिया है। आवेदकों की सुविधा को देखते हुए परिवहन विभाग ने NIC की मदद से वेब पोर्टल बनाया है। मुआवजे की राशि के लिए accidentclaim.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहां कागजात अपलोड करने होंगे। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5,00,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को सरकार 2,50,000 रुपए तक का मुआवजा देती है।
बिहार में एक साल में पहुंचे 1 करोड़ से अधिक पर्यटक। बिहार में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। दिसंबर 2023 में 8 करोड़ 21 लाख पर्यटक यहां पहुंचे हैं। इसमें 8 करोड़ 15 लाख पर्यटक देश के ही थे, वहीं विदेश से 5 करोड़ 6 लाख पर्यटक आए हैं। जानकारी के अनुसार साल 2023 में सबसे अधिक पर्यटक अगस्त के महीने में पहुंचे, यह संख्या 3 करोड़ 22 लाख रही। यहां लोगों का पसंदीदा जगह राजगीर है। जानकारी के अनुसार मलमास के महीने में मेला लगने के कारण यहां पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लोगों को बोधगया भी घूमना खूब पसंद आ रहा। विदेशी पर्यटक राजगीर के बाद गया घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। बापू टावर पर्यटकों के लिए होगा बेहद खास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बापू टावर का उद्घाटन करेंगे। यह पर्यटकों के लिए बेहद खास होने वाला है। यहां गांधी जी के जीवन से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा बापू के विचार और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका से लोग रूबरू हो सकेंगे। महात्मा गांधी का बिहार से लगाव, उनके आदर्शों को आमजन में स्थापित करने के लिए सरकार ने यह काम किया है। लोगों को इसकी भी जानकारी दी जाएगी। महात्मा गांधी का बिहार से लगाव, उनके आदर्शों को आमजन में स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या काम किया है, लोगों को इसकी भी जानकारी दी जाएगी। बापू टावर में 7 लोगों के बैठने के लिए ओरिएंटेशन हॉल भी बनाया गया है। ट्रेन में सामान ले जाने के लिए वजन लिमिट का रखें ख्याल। ट्रेन में सामान ले जाने के दौरान वजन लिमिट का खास ख्याल रखना जरूरी है। देश भर में लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, ऐसे में कुछ नियम के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ट्रेन के एसी फर्स्ट क्लास में सफर करने के दौरान 70 किलो तक का ही सामान मुफ्त में ले जाया जा सकता है। वहीं एसी सेकंड क्लास में वजन की लिमिट 50 किलोग्राम है, जबकि थर्ड एसी में स्लीपर कैटेगरी में 40 किलोग्राम, सेकंड क्लास में 35 किलोग्राम तक का सामान ले जाया जा सकता है। इससे अधिक का सामान ले जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। अधिक वजन का सामान होने की जानकारी काउंटर पर देनी होगी, साथ ही रुपए का भुगतान भी करना होगा। बिहार में मंत्रियों के बीच विभागों का हुआ बंटवारा। बिहार में एनडीए की सरकार में शपथ लेने वाले मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास एक बार फिर से गृह विभाग है। इसके अलावा सामान्य प्रशासन, निर्वाचन, निगरानी सहित कई विभाग सीएम नीतीश कुमार के पास है। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास स्वास्थ्य, खेल, उद्योग, पंचायती राज समेत अन्य विभाग है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास कृषि, पथ निर्माण, राजस्व, भूमि सुधार, गन्ना उद्योग समेत अन्य विभाग है। विजय चौधरी को जल संसाधन विभाग, तो विजेंद्र कुमार यादव के पास ऊर्जा विभाग है। बिहार में रोगियों को हर महीने मिलेंगे 18,000 रुपए। बिहार में किडनी ट्रांसप्लांट के रोगियों को अब हर महीने 18,000 रुपए मिलेंगे। इन्हें दवा खरीदने के लिए सरकार हर महीने यह राशि देगी। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से गरीब रोगियों को 3 लाख का अनुदान दिया जाता है। यह उन्हें दिया जाता है जिनका सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है। पैसे के अभाव में दवा नहीं खरीद पाने वाले मरीजों की मदद सरकार करती है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हर साल यहां 210 मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट होता है। साल 2019 से 20 के बीच 238 मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। मनोज वाजपेयी की फिल्म जोरम ओटीटी पर रिलीज। मनोज वाजपेयी की फिल्म जोरम को ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया है। अमेजन प्राइम पर इसे घर बैठे देखा जा सकता है, लेकिन इसे देखने के लिए रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यह लोगों को मुफ्त में देखने को नहीं मिलेंगे। यह फिल्म सिनेमा घरों में 8 दिसंबर को रिलीज हुई थी। मनोज वाजपेयी ने इसमें एक बिहारी का किरदार निभाया है। यह अपनी नवजात बच्ची को बचाने के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। इन पर अपनी पत्नी को मारने का भी झूठा आरोप लग जाता है। इस कारण से यह मुंबई से अपने घर गांव भागने लगते हैं। आपको बता दें कि जोरम फिल्म की ऑस्कर लाइब्रेरी में भी एंट्री हो चुकी है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत खरीदारों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत खरीदारों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वहीं अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 10,000 रुपए प्रति वाहन दिए जाते हैं। अन्य वर्ग को 7,000 रुपए प्रति वाहन दिया जाता है। मोटर वाहन कर में 75% तक की भी छूट दी जाती है। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण में सुधार लाने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2028 तक बिहार में क्रय और निबंधन होने वाले नए वाहनों में से 15% इलेक्ट्रिक वाहन हो। के पाठक ने पत्र जारी कर कई शिक्षकों से मांगा स्पष्टीकरण। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कई शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल बिना सूचना दिए 15 दिन से अधिक समय से 4 शिक्षक गायब हैं। उत्क्रमित हाई स्कूल मुक्तापुर की श्वेता कुमारी मिश्रा, उत्क्रमित हाई स्कूल मुरली रंगरा चौक के शिक्षक शत्रुघ्न कुमार, एमएस डोबी सनहौला के शिक्षक मोहनी झा और मध्य विद्यालय बादे हसनपुर की प्रियंका कुमारी स्कूल से गायब हैं। इनके खिलाफ पत्र जारी हुआ है। यह शिक्षक अगर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं अन्य मामला होने पर इनकी नौकरी भी जा सकती है।
बिहार में मौसम ने ली करवट। बिहार का मौसम तेजी से करवट बदलता दिखाई दे रहा है। धूप के कारण कोहरे पहले से कम हुए, साथ ही प्रदेश के तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन इसी बीच मौसम विभाग लगातार आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश को लेकर अलर्ट कर रहा। बारिश को लेकर किसानों को भी अलर्ट किया गया है। यदि बारिश होता है तो फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री तक रहने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में एक या दो स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि उत्तर पूर्व बिहार में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पटना से अयोध्या जाने के लिए 29 फरवरी तक उड़ेंगे 27 जोड़ी विमान। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 29 फरवरी तक के लिए विंटर शेड्यूल जारी किया है। इसके अनुसार अयोध्या के लिए 27 जोड़ी विमान यहां से उड़ान भरेंगे। इससे पहले यहां 31 उड़ानों का परिचालन किया जा रहा था। फिलहाल इंडिगो की 26, स्पाइसजेट की 6, एयर इंडिया की 3 और विस्तारा की 2 जोड़ी फ्लाइट यहां से उड़ान भरेगी। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर सबसे अधिक यात्री पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरते हैं। इनके लिए 13 फ्लाइट की संख्या है, जबकि वाराणसी, प्रयागराज, अमृतसर, भोपाल और जयपुर के लिए विमान नहीं है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे आयशा सहमान के बारे में। आयशा सहमान एक भारतीय मॉडल और ब्यूटी पेजेंट टाइटल होल्डर है। उन्हें ग्लैमानंद मिस इंडिया इंटरनेशनल 2015 का ताज पहनाया गया था और उन्होंने टोक्यो, जापान में आयोजित मिस इंटरनेशनल 2015 पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें पैनासोनिक संगठन द्वारा वर्ष 2015 के लिए पैनासोनिक ब्यूटी एम्बेसडर पुरस्कार और मिस इंटरनेशनल पेजेंट में जापान टूरिज्म एंड इंटरनेशनल कल्चरल एसोसिएशन द्वारा मिस विजिट जापान टूरिज्म एम्बेसडर से सम्मानित किया गया था। इन्हें मॉडलिंग उद्योग में उनके योगदान के बावजूद एशिया मॉडल फेस्टिवल में 2018 के वर्ष में दक्षिण कोरिया सियोल में एशिया स्टार मॉडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें मुंबई के नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में मुंबई पुलिस में कार्यरत आईपीएस ऑफिसर विश्वास नागरे पाटिल के कर कमलों द्वारा मधुर भंडारकर की फिल्म इंडिया लॉकडाउन में उत्कृष्ट अभिनय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस रिव्यू का अवार्ड दिया गया था। नागी पक्षी महोत्सव जागरूकता के लिए कार रैली रवाना। जमुई जिले में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसी पक्षी महोत्सव को लेकर पटना से कार रैली रवाना किया गया है। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव वंदना प्रियसी ने कार रैली को हरी झंडी दिखाई थी। यह रैली पटना से निकलकर जमुई के नागी आश्रय यानी स्थल तक जाएगी। इस रैली का मकसद है बिहार में प्रवासी पक्षी के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। यहाँ यह भारी संख्या में आते हैं। कहा जाता है कि यह महोत्सव जलवायु परिवर्तन के लिए अच्छा होता है। इसके जरिए लोग अपने आसपास रहने वाले पक्षियों के बारे में जागरूक होते हैं। जानकारी के अनुसार जमुई में 3000 प्रवासी पक्षी पहुंचे हैं। वहीं प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने पर राजद ने उठाए सवाल। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर आरजेडी ने सवाल खड़े किए हैं। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपनी पूरी उम्र दलितों, वंचितों व समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर सरकार ने कहीं न कहीं दोनों नेताओं की तुलना कर दी है। यह केंद्र सरकार की बहुत बड़ी गलती है। लाल कृष्ण आडवाणी और जननायक कर्पूरी ठाकुर की बराबरी करना गलत है। एजाज अहमद ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है। सीएम नीतीश कुमार ने भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी से की फोन पर बात। सीएम नीतीश कुमार ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के बाद उनसे फोन पर बात की है। मुख्यमंत्री ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी देश के सम्मानित नेताओं में से एक है। उनसे कई चीजें सीखने का मौका भी मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर सीएम ने खुशी जाहिर की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी दिया है। वही लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा है कि भारत रत्न मिलना मेरे लिए सम्मान है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स के जरिए दी है। इंग्लैंड बना भारत टेस्ट मैच में यशस्वी के बाद जसप्रीत बुमराह ने किया कमाल। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक जड़ा था। इसके बाद दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह ने कमाल किया है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 6 विकेट अपने नाम किए हैं। इंग्लैंड की पहली पारी 253 में सिमट कर रह गई। शुरुआत में कुलदीप यादव ने वेन डकेट के रूप में सफलता हासिल की थी। इसके बाद अक्षर पटेल ने जैक क्रॉली को 76 के स्कोर पर समेट दिया। श्रेयस अय्यर ने कैच हासिल किया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। शाहजहां को आगरा का सम्राट 1628 में घोषित किया गया था। लोकमान्य तिलक के संपादन में दैनिक समाचार पत्र केसरी का पहला अंक 1881 में आया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन समय हुआ चौरा चौरी कांड 1922 को हुआ था। महात्मा गांधी को खराब स्वास्थ्य के कारण 1924 में बिना किसी शर्त के मुंबई जेल से छोड़ दिया गया था। भारत की सातवीं आर्मी
बर्मा पर 1944 में जापान ने हमला किया था। भारत पाकिस्तान के बीच 1953 में कश्मीर के मुद्दे पर पहली बार बात हुई थी। 4 फरवरी 2009 को ही बाबा रामदेव को उनकी सेवाओं के लिए इंडियन अकेडमी ऑफ एक्यूप्रेशर विज्ञान के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1938 में देश के मशहूर कथक कलाकार बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। 1924 में भारत के 9वें उपराष्ट्रपति कोचरिल रमन नारायण का जन्म हुआ था। आज के दिन विश्व कैंसर दिवस, वन अग्नि सुरक्षा दिवस सप्ताह और चौरा चौरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे कस्टम डिपार्टमेंट के नाम पर आ रहे इस फर्जी कॉल के बारे में। इंटरनेट के इस जमाने में सोशल मीडिया पर कई ऐसे खबरें हैं जो वायरल होती रहती हैं, लेकिन सभी खबरें सही हो ये जरूरी नहीं है। अब इसी कड़ी में एक और खबर देखने को मिली, जहां कस्टम डिपार्टमेंट के नाम पर कस्टम अधिकारी के कॉल आने का दावा किया जा रहा। इस कॉल के जरिए लोगों को अपने नाम का अकाउंट नंबर देकर कस्टम ड्यूटी जमा करने की बात कही जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि यदि आप ऐसा करते तो आपके साथ वित्तीय धोखाधड़ी हो सकती है, इसलिए इस तरह के कॉल से खुद को अलर्ट रखें। पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने भी इस बात की पुष्टि की है, साथ ही इसे फर्जी करार दिया है। व्हाट्सएप ने लाखों अकाउंट्स पर लगाया प्रतिबंध। व्हाट्सएप ने इस वक्त अनैतिक गतिविधियों वाले व्हाट्सएप अकाउंट को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक 69 लाख व्हाट्सएप अकाउंट्स पर भारत में बैन लगा दिया गया है। इन अकाउंट्स पर बैन नए आईटी रूल्स 2021 के तहत लगाए गए हैं। इस संबंध में व्हाट्सएप ने अपने एक मासिक अनुपालन रिपोर्ट में कहा है कि यूजर्स को किसी भी रिपोर्ट से पहले इनमें से लगभग 16,58,000 खातों पर सक्रिय रूप से प्रतिबंध लगाया गया था और अब कंपनी ने बैन किए गए सभी अकाउंट्स के बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि भारत में 500 मिलियन से भी ज्यादा व्हाट्सएप यूजर मौजूद हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 जरूरी सवाल पूछेंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस तिथि को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है 2 फरवरी, ऑप्शन बी है 2 जनवरी, ऑप्शन सी है 3 फरवरी, ऑप्शन डी है 4 जनवरी। इसका सही उत्तर है 2 फरवरी। हाल ही में किसने लगातार 6 बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बनी है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी है महुआ मोइत्रा, ऑप्शन सी है स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी है दर्शन जरदोस। इसका सही उत्तर है निर्मला सीतारमन। हाल ही में कहां में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा? ऑप्शन ए है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है दिल्ली एम्स, ऑप्शन सी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है लखनऊ पीजीआई। इसका सही उत्तर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा निवृत्ति की उम्र क्या है? ऑप्शन ए है 60 वर्ष, ऑप्शन बी है 62 वर्ष, ऑप्शन सी है 65 वर्ष, ऑप्शन डी है 70 वर्ष। इसका सही उत्तर है 62 वर्ष। नगर नियम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? ऑप्शन ए है 3 लाख से ऊपर, ऑप्शन बी 1 लाख से ऊपर, ऑप्शन सी है 6 लाख से ऊपर, ऑप्शन डी है 5 लाख से ऊपर। इसका सही उत्तर है 5 लाख से ऊपर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रामनवमी मांझी, राजीव कुमार, मुंशी साहू, राकेश कुमार, अतीक खान, मोहम्मद साकिर हुसैन, विवेक मिश्रा, सुकुमार सिंह बादल, पंकज कुमार दास, राजू कुमार, सादुल्ला पालवी, मोहम्मद मंजूर आलम, राकेश कुमार, मुकेश, रवि कुमार, राम, पंकज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार भारत में ऐप से यूनिवर्सिटी की निगरानी होने पर क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।